तुम्हारे अम्मा अब्बा कहाँ हैं? वो उन्होंने आने से मना कर दिया। जब वो नहीं आए तो तुम क्यों आयो? मैं अब्बा को क्या जवाब दूंगी? अरे अब्बा को मनाने के लिए मैं हूं ना। तुम अंदर चलो, अंदर चलो ना। मैं हूं, चल आगे चलो। मैं ठीक लग रहा हूं ना? अरे मेरी बात तो सुनो। अस्सलाम वालेकुम। कल वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बाकी लोग कहाँ हैं? अंकल मैं अकेला ही आया हूँ। तुम्हें मैंने कहा था कि बाकायदा रिश्ता लेने के लिए अपने वालदैन को साथ लेकर आओ। अंकल वो मॉम और डैड ने कहा है कि आपका स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं होता। तो फिर तो तुम्हें भी नहीं आना चाहिए था। लेकिन आंटी मैं आमना से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अंकल मैं शादी भी आमना से ही करना चाहता हूँ, चाहे मेरी फैमिली माने या ना माने। मैं आमना को लेके अलग रह लूंगा। ठीक है, फिर हमें सोचने के लिए कुछ वक्त दो। किस सोच में डूबी हो अम्मा? तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता। है तो नहीं ना? अरे परेशानी में आदमी ऐसी सोचता है। तो वही तो पूछना चाह रही हूँ कि क्या सोच रही हो। हाय बड़ी कड़की चल रही है। तो तुम्हें कौन सा शॉपिंग करनी है जो कड़की के बारे में सोच रही हो? मुझे देखो, इतने दिनों से अपने लिए कुछ लिया भी नहीं। मेरे बच्चे मैं तुम्हारी ही कड़की के बारे में सोच रही हूँ। अम्मा तुम कितनी अच्छी हो ना, अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। हाय बस इसीलिए तुझे मेरा एक काम करना है। सारा दिन वो सौतेली काम करवाती है, अब तुम भी काम करवा लो मुझसे। अरे इस काम में हम दोनों का फायदा है ना। फायदा? जल्दी बताओ ना क्या फायदा है। तू ना अनिला को फोन कर, उससे कुछ नहीं होगा, बेकार है वो। क्यों बेकार है भाई? मैंने कई बार अनिला को फोन किया है लेकिन उसका नंबर बन जाता है, लगता है उसने नंबर बदल लिया है। अच्छा फिर तो तुम्हारा काम बढ़ गया। अब तुम एक काम करो, तुम रशीद के मोबाइल में से कोई नंबर निकालो अनिला का, और उसके बाद उसको ट्राई करके देखो। मौका देख के? मौका भी मिलेगा, बस तू देखती जा, क्योंकि शगुफ्ता नाम है मेरा। अम्मा तुम्हारे हाथ की मालिश कर करके ना मेरे हाथ थक जाते हैं। हाँ सही से करना बेटा, ये तो बहुत बेहतर हो गया है। अचानक से आ गई, सुना तो नहीं ना? मैंने देख लिया था यहाँ से आते हुए, जब ही चुप हो गई। हेलो जी, मैं अदील बात कर रहा हूँ। जी अदील साहब, कैसे फोन किया? एक्चुअली मैं ये जानना चाहता था, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट की थी, आई होप कि आपने मेरी उस दोस्ती की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया या नहीं, बस यही जानना चाहता था। अदील साहब मैं कोई टीनेजर नहीं हूँ जो दोस्तियाँ वगैरह करे जिसके पास इतना टाइम हो। मैं जानता हूँ कि आप बहुत सुलझी खातून हैं, एंड ट्रस्ट मी मैं किसी गलत नियत से नहीं कह रहा था। दोस्ती एक पाकीज़ा रिश्ता है, मगर सिर्फ उसके लिए जो इसके मायनों का समझे। जी हाँ, मैं वो माने समझ के ही आपसे बात कर रहा हूँ। निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप मेरी दोस्ती को आजमा कर तो देखें, अगर पूरा ना उतरा तो फिर शिकायत कीजिएगा। अब मैं आपसे कैसे कहूँ, हमारा माशरा इतना ब्रॉड माइंडेड नहीं है।
कि मर्द औरत की दोस्ती को अच्छी नजर से देखे। मेरा ख्याल था कि आप उम्र के उस हिस्से से बाहर आ गई हैं जिसमें मौशरे और जमाने के बारे में सोचा जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप मेरे साथ दोस्ती करने के लिए इतने बज़िद क्यों हैं? जबकि बकौल आपकी सिस्टर के हमारी स्टेटस पे तो बहुत फर्क है ना। लेकिन मुझे किसी फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता। Are you sure कि नहीं पड़ता? जी हाँ, जरूरी तो नहीं है कि मैं अपनी बहन के ख्यालात से इत्तेफाक करूं। हाँ, जरूरी तो नहीं है। चले मैं आपसे बातें बात करती हूँ, अभी मुझे अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना है। कब तक खामोश बैठी रहोगी? कुछ कहोगी नहीं? बोलने के लिए बाकी क्या बचा है? अब क्या हो गया यार, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है तुम्हारी बातें सुनने। जानती हो मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले कभी करता था। बस ये नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में कैसा फील करती हो। शायद तुम जानते नहीं ये मोहब्बत की चिंगारी एक बार दिन में भड़क उठे ना तो उसकी हरारत जिंदगी भर महसूस होती है। ये बात तो सच है। और सुनाओ जिंदगी कैसी चल रही है? कुछ मत पूछो कि कैसे गुजरी, गुजरी भी या मैंने कैसे गुजारी। जिंदगी की तकलीफें इतनी है कि गिनू भी तो बता नहीं सकती। किसी की औलाद को पालना आसान नहीं होता और मैं तो एक गवर्नेस और एक नौकर बन के गई थी ना उस घर में, तो सोचो कैसी गुजरी होगी।